मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, ये है प्रिया सिंह। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती है। राज्य की पहली महिला बॉडी बिल्डर होने का गौरव भी प्रिया को ही हासिल है। देश और विदेश की कई प्रतियोगिताओं में प्रिया गोल्ड अपने नाम कर चुकी है, मगर इस बार पदक जीतने के बाद प्रिया सिंह की अनदेखी का मामला सामने आया है। अनदेखी क्या की गई है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने एक बार फिर राजस्थान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया ने गोल्ड मेडल जीता है। और इससे पहले भी प्रिया साल 2018, 2019 और 2020 में मिस राजस्थान का टाइटल अपने नाम कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉडी बिल्डिंग में नाम रोशन करने वाली प्रिया सिंह राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है। प्रिया की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी और यह दो बच्चों की माँ है। सामान्य ग्रामीण परिवार से है। दो बच्चों की माँ बनने के बाद प्रिया सिंह ने पुरुषों के वर्चस्व वाले बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में हाथ आजमाए। हालांकि शुरुआत में प्रिया को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रिया सिंह ने घर खर्च चलाने के लिए जिम में नौकरी शुरू की थी। यहीं से फिटनेस को लेकर उनकी रुचि पैदा हो गई। बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिताओं में प्रिया सिंह स्टेट लेवल पर लगातार 3 बार गोल्ड पदक जीत चुकी है। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस राजस्थान 2018, 19, 20 में गोल्ड पदक जीता है। प्रिया घर और जिम दोनों की जिम्मेदारी बखूबी संभाले हुए हैं। जिम में कई घंटों तक पसीना बहाती है। पति व बच्चों के सपोर्ट से प्रिया सिंह जिम ट्रेनर बन गई और कई युवतियों की रोल मॉडल भी है। प्रिया का मानना है कि कसरत करने से न केवल शरीर तंदुरुस्त बना रहता है बल्कि बीमारियां भी भागती है। और प्रिया बेजुबान पशुओं की हमेशा मदद करती रहती है। और अभी हाल ही में थाईलैंड के पटाया में 17 और 18 दिसंबर 2022 को 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने गोल्ड मेडल व प्रो कार्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद भी प्रिया सिंह को सरकार या खेल प्रेमियों की तरफ से वो मान सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार है। प्रिया सिंह और उनके समर्थकों को मलाल इस बात का भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीतने के बावजूद भी केंद्र सरकार और राजस्थान की गहलोत सरकार ने उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं किया। यहां तक कि थाईलैंड से लौटने के बाद प्रिया सिंह एयरपोर्ट से घर तक अकेले ही गई। और सोशल मीडिया पर प्रिया सिंह का एक इंटरव्यू के हवाले यह भी दावा किया जा रहा है कि वह खुद भी मानती है कि जातिवाद की वजह से उनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव होता है। वहीं प्रिया सिंह का कहना है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में खुद को कमतर ना आके मेहनत करने से नए मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिया सिंह एक सामान्य ग्रामीण परिवार से है। उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। शादी के बाद वह ससुराल गई और दो बच्चों की माँ बनी। माँ बनने के बाद भी प्रिया ने पुरुषों के वर्चस्व वाले इस खेल में कदम रखा और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और बड़ी बात यह भी है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉडी बिल्डिंग के चलते ही पिछले दिनों जयपुर में हुई एक फिल्म शूटिंग में प्रिया सिंह को पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल मिला है। और बड़ी बात यह भी है, प्रिया सिंह राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर है जिसने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में अपने नाम गोल्ड मेडल भी किया। राजस्थान की बाकी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।